विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर, फी गज सिर्फ 5,000। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज, मोहम्मद आजम अली। डॉक्टर विष्णुवर्धन हूँ, आर्थोपेडिक सर्जन नामपल्ली हॉस्पिटल के। अभी हमारा एक नया अचीवमेंट हुआ, इधर टोटल नी रिप्लेसमेंट करे, बोले तो पूरा घुटने का रिप्लेसमेंट कर दिए। ये बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में ही होता है, जहाँ पे 5-6 लाख तक ये होता खर्च उधर, मगर हम लोग इधर फ्री में करें, आरोग्य श्री में फ्री में करें, पेशेंट को एक भी पैसा नहीं लगता। अच्छा, ऐसा ही रहता वो, उन पेशेंट को नेक्स्ट डे से पेन कम हो जाता, थोड़ा ऑपरेशन का जो दर्द रहता वो 10-15 दिन तक रहता, उसके बाद नॉर्मल हो जाता। 2 घंटे तक सर्जरी चलता, हाँ 2 घंटे तक भी हो जाता। पहले पेशेंट तो ये पकड़ के भी नहीं चल सकते थे, थोड़ा मुश्किल होता था वो स्टैंड पकड़ के भी, अभी बिना स्टैंड के भी चल रहे पेशेंट। अभी 1 वीक हुआ, अभी ऑलरेडी चल रहे पेशेंट, अच्छा बिना स्टैंड के भी चल रहे, और थोड़ा वो जो घाव रहता ना सर्जरी का वो अच्छा फुल हो गया, तो उसके बाद पूरा नॉर्मल हो जाता पेशेंट, नॉर्मल काम भी कर सकते, थोड़ा नीचे नहीं बैठना, बस सीढ़ियाँ चढ़ सकते, पूरा काम कर ले सकते। नरसापुर के है इधर आ गए, तो हम लोग फ्री में पूरा आरोग्य श्री में कर लिए। और मैं सिविल असिस्टेंट सर्जन हूँ, तो हम लोग यहाँ पर एक पेशेंट को जो है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी किए हैं, तो पेशेंट बहुत बेचारा घुटने का उसको दर्द था, तो पेशेंट हमारे पास अप्रोच हुआ, तो उसको हम लोग पूरा इवेल्यूएट करे और जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं तो वो सब इन्वेस्टिगेशन हम लोग किए हैं, उसके बाद उसका चेकअप वगैरह हुआ, वो सब पेशेंट को रेडी किया, और पेशेंट को जो है वो बहुत अच्छे से जो है सर्जरी हुआ, और सब एनेस्थीसिया टीम का सपोर्ट रहा, और मैडम का सपोर्ट रहा, और अपने सिस्टर्स का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो यूजुअली ये रिप्लेसमेंट का सर्जरी कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में होता है, तो यहाँ पर हम इस हॉस्पिटल में किए हैं, तो ये बहुत बड़ा एक तो अचीवमेंट है। और फिर पेशेंट, हम ये चाहते हैं कि पेशेंट के जो मतलब उनका जो ये ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, तो चूँकि जैसा एज बढ़ते जाता है तो उनके अंदर डी जॉइंट के अंदर डीजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं उसको, जैसा डी जॉइंट घसे जाता है, तो उनके लिए चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, आगे चल के जो है चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो किसी के डिपेंडेंट हो जाते हैं, या तो वॉकर के डिपेंडेंट हो जाते हैं, या तो अपने रिलेटिव्स के डिपेंडेंट, इवन अपने बेसिक नेसेसिटीज़ भी जो है वो लोग खुद से नहीं कर सकते हैं, तो वो पेशेंट ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं तो जो किसी वजह से जो है अप्रोच नहीं हो सकते, तो उनके लिए ये बहुत जो है इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा इससे, तो वो बिल्कुल जो है हमारे हॉस्पिटल को आ सकते हैं, और फिर जो है बहुत अच्छा सा जो है यहाँ पर सपोर्ट भी है, और थिएटर भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटीज़ है, तो जो है बहुत फ़ायदा हो सकता है, ज़रूरत रहेगी उसको चलने के लिए, और थोड़ा सा सपोर्ट होना चाहिए, और फिर उनको एक्सरसाइजेस वगैरह करवाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की, एक मोस्टली क्या है एक मंथ के लिए उनको